chapter. Name of the chapter is Motion and Measurement of Distances. We'll start with some background. Story of transport and travel. Earlier times travel was on foot. लोग पैरों पैदल चलते थे और सर पर या कंधे पर अपना लगेज ऑन देयर बैक. फिर धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन के बाद दे यूज्ड हॉर्सेस कैमल्स एंड एलिफेंट्स फॉर ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एंड कैरिंग गुड्स, सामान भी उनके ऊपर लाद लेते थे. फिर जब व्हील आ गया तो कार्ट्स वर यूज्ड एंड कार्ट्स पुल्ड बाय एनिमल्स. व्हील मेड व्हीकल लाइक बाइसिकल, स्कूटर्स, कार्स. उसका स्टीम इंजन मेड पॉसिबल ट्रेन एंड ऑटोमोबाइल्स. धीरे धीरे ट्रेन में गए आप क्योंकि उसमें वो भाप का इंजन चला, फिर आपका पेट्रोल इंजन चला. टुडे आज के जमाने में इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, सुपरसोनिक जेट्स चल रहे हैं, इवन स्पेस में जाने के लिए स्पेसशिप्स आर बी यूज्ड. नाउ इन सब कामों में यू हैव टू मेजर डिस्टेंसेस, कितने दूर गए. तो क्या कहते हैं आप, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी. जैसे यहां से लेकर चंडीगढ़ तक जाना है तो आप जो डिस्टेंस है उसको एक स्टैंडर्ड मीटर से नापेंगे. जैसे कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, जिसको मेजर करना है उसको कंपेयर करेंगे एक फिक्स्ड नोन क्वांटिटी जिसको हम यूनिट कहते हैं. जैसे एक मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है. तो दिल्ली टू चंडीगढ़ जो है वो डिस्टेंस मीटर को बार बार करके कंपेयर करके बताएंगे कि दिल्ली टू चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको मेजर कर सके. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. इसके एग्जाम्पल क्या है, लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अब नेचुरली मेजरमेंट के लिए आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए. अब पहले हम क्या करते थे, अर्लियर हम लोग अपने डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते थे. जैसे हैंड स्पैन, हैंड स्पैन होता है ये वाला हैंड स्पैन, यहां से यहां तक. क्यूबिट, क्यूबिट मतलब अपने जो आर्म लेंथ जो है. पेस, एक कदम, फुट, पैर का साइज. फैथोम, इस तरह के यूनिट यूज करते थे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हैंड स्पैन, क्यूबिट, ऑल दीज वर नॉट, बट दे कैनॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि हरेक का फुट अलग होता था, हरेक का क्यूबिट अलग अलग होता था. इसलिए हर बारी जब मेजर करते थे तो अलग अलग उसका आंसर आता था. देयरफॉर वी नीडेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर दोस दैट कैन हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी. आपने मीटर बोला तो वो फिक्स्ड रहनी चाहिए, चाहे आज कर लो चाहे दो साल बाद कर लो. फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, यहां का मीटर और अहमदाबाद का मीटर और बॉम्बे का मीटर सेम होना चाहिए. देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगह मीटर अलग नहीं होना चाहिए और अलग अलग आदमी का मीटर अलग अलग नहीं होना चाहिए. क्यों जरूरी है ये, इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस इन मेजरमेंट, ताकि जो एक आदमी ने रिपोर्ट किया दूसरा आदमी उससे कोरिलेट कर सके.